अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फर्स्ट टेस्ट का आज डे 4 है। एंड बिफोर वी से एनीथिंग, कंग्रेचुलेशंस टू शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने 5 विकेट्स ली। एंड अभी सब कह रहे हैं दुनिया में कि न्यू बॉल के सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है शाहीन शाह अफरीदी एंड ही कुड बी एक्चुअली द बेस्ट। तो बहुत सारी मुबारकबाद उनको। अब टेस्ट की क्या सिचुएशन है? सिंपल सिचुएशन ये है कि आज 4था दिन है और पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए 202 रन दरकार है। सो दे जस्ट हैव टू मेक 202 रन्स। आज का दिन है, कल का भी दिन है, क्या पाकिस्तान ये कर पाएगा या नहीं? अब्दुल्ला शफीक और आबिद अली इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनकी भी इनपुट लेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यासीन, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल महाद बट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से आपको तक कि शाहीन की तो 5 विकेट्स हो गई, हसन अली ने 2 और साजिद खान ने 3 विकेट्स ली। सिकू, नाउ कमिंग टू जस्ट, पहले हम स्ट्रेट मैच की सिचुएशन पे आ जाते हैं। 202 रन आपने बनाने हैं चिटागोंग टेस्ट जीतने के लिए। ईजी ब्रीजी या कहीं आपको ऑब्वियसली बांग्लादेश आप पे प्रेशर डालेगा, स्पेशली द स्पिनर्स, दे हैव बीन अमेजिंग। नहीं देखिए, ये टेस्ट मैच है, हो सकता है डले, मगर पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड्स हैं, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, जिस तरह पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, उसके हिसाब से हमें मेरे ख्याल से आसानी के साथ ये 7 विकेटों से, 8 विकेटों से या 9 विकेटों से ये मैच जीत जाना चाहिए। इतना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। हाँ, स्पिनर्स थोड़ा सा लास्ट टाइम तंग किया था, मगर हमेशा यही पेयर था जिसने पिछली दफ़ा 146 रन का पार्टनरशिप लगाई थी। और आपने देखा होगा बांग्लादेश की तरफ से दास ने जो है पहली इनिंग में भी 100 किए थे, दूसरी इनिंग में भी 56 किए। तो अगर आबिद और ये थोड़ा सा भी खड़े हो गए तो मेरे ख्याल से इतना इशू होना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, एक बड़ी टीम है कंपेयर टू बांग्लादेश। तो मेरे हिसाब से टाइम तो खैर दुनिया भर का पड़ा हुआ है, तो अब सिर्फ बैट्समैनों ने 2 पार्टनरशिप्स लगानी और हम थ्रू हो जाएंगे। एंड आलिया, आपको क्या लगता है कि थोड़ा कुछ देखेंगे आपको? अभी ऑब्वियसली अभी व्हाट वी वाचिंग राइट नाउ, एवरीथिंग लुक्स गुड, बट थोड़ा डे एंड की तरफ हम कुछ मज़ेदार देखेंगे क्योंकि बांग्लादेश के पिचेस आई थिंक डे 4 डे 5 में दे डोंट प्रोड्यूस मच। जी फातिमा, बिल्कुल इस वक्त तो अब्दुल्ला शफीक और आबिद अली बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उन्होंने 3-3 रन भी जो है भाग के ले लिए हैं। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि क्रिकेट में एक तो वैसे ही आप कुछ नहीं कह सकते, दूसरा ये है कि अभी जैसे ही इनके स्पिनर्स लगेंगे तो क्या उनको उतना ही टर्न मिलेगा, उतना ही ग्रिप करेगी उनकी बॉल। फातिमा, इसके साथ साथ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये यकीनन जीत जाएगा, लेकिन ये है कि हमने जीतने के बावजूद मेरा ख्याल है कि हमें अपनी कमजोरियों पे और जो फिल इन द ब्लैंक्स रह गए हैं उनको फिल करने की ज़रूरत है, जिसमें ख़ास तौर पर ये देखना होगा कि क्या हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी क्वालिटी भी वही है जिनको हमने खिलाया। मैं अगेन अपना पॉइंट हाईलाइट करूंगी कि हमने लेग स्पिनर जाहिद महमूद को मिस किया है। हमें अगर डेवलप करनी है टीम, आपकी जो जीत होती है वो आपकी कंपोजिशन को बनाने में अहम किरदार अदा करती है। तो आप अगर अपने बेस्ट ऑप्शंस के साथ जाएँ तो वो देखें, और दूसरा फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके हमारे प्लेयर्स को इतना तंग करते हैं और हमारा लेफ्ट आर्म बॉलर जो है वो उस तरह तंग नहीं कर सके, वो एक्यूरेसी नहीं दिखा सके नुमान जिस तरह जो कि बाबर की जिसको तवक्को थी। फहीम कहीं थ्रेटनिंग नहीं लगे, हसन और शाहीन ही कह सकते हैं जो कि मेन थे। मसला मुझे ये नज़र आता है कि नई बॉल के साथ शाहीन जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, पुरानी बॉल जब हो जाती है तो हसन अली बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। मगर इन बिटवीन आपको या तो कोई ज़बरदस्त बॉलर चाहिए, ऐसा फास्ट बॉलर जो कि पेसी भी हो और विकेटें लेने की जो बॉलिंग है, विकेट टेकिंग बॉलिंग, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमारे पास ऐसे स्पिनर्स हों जो कि उतना ही तंग कर सकें जितना के हम दूसरी टीमों को देख रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आई होप के जीतने के बाद बहुत खामियों पर पर्दा पड़ जाता है, लेकिन चूंकि हम टेस्ट क्रिकेट में पीछे हैं और हमें आगे अच्छी टीमों के साथ भी अच्छा करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जहाँ जहाँ हमें चीजें नजर आती जा रही हैं उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। ठीक है, या आपके पास भी आते हैं और हम लोग फनी कि आलिया ने स्पिनर्स की बात की, आई थिंक आपने भी इस बारे में लिखा, मैं पढ़ी थी आपकी भी थोड़ी देर पहले ट्वीट। आपको भी लगता है कि शायद हम अपने प्लेइंग 11 में या अपने स्क्वाड में मिसिंग अ रिस्क स्पिनर? फातिमा, आज के खेल की अगर हम बात करते हैं तो एज कम्पेयर पिछले 3 दिन के मुकाबले में आज ज़्यादा विकटें नहीं गिरी और मेरा ख्याल है कि वो जो रिजवान ने 9 के इनफरादी स्कोर पर लिटन दास का एक सीधा स्टंप मिस कर दिया था जब 65 और 5 थे बांग्लादेश के, वो अगर स्टंप हो जाता तो मेरा ख्याल है कि ये 200 की नौबत नहीं आती। बहरहाल क्रिकेट के खेल में कैच भी छूटते रहते हैं, स्टंप भी मिस होते हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में एक चीज जो बड़ी वाज़े है, इस टेस्ट मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात बहुत वाज़े है कि हमने इस सीरीज के बाद होम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला करना है। अगर इस हिकमत अमली के साथ, इस टीम सिलेक्शन के साथ हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो फिर हमें यहीं से तैयारी करके जो है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की तैयारी करनी चाहिए। बहरहाल इतना बड़ा स्कोर नहीं है, 202 इस पिच के ऊपर, जहां अगर इनहमाक के साथ हमारे बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं जिनके पास तजुर्बा एज कम्पेयर बांग्लादेश के बैट्समैनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, फिर एक अच्छी इनिंग अजहर अली पर ड्यू है, कप्तान बाबर आजम पर ड्यू है, फवाद आलम पर ड्यू है क्योंकि वो फास्ट इनिंग में कुछ कर नहीं पाए थे। तो इस तनाजुर में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम को कोई मुश्किल होनी चाहिए, बट क्रिकेट का खेल है, लास्ट बॉल जब तक डिलीवर ना कर दी जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, बट आई थिंक ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है भट्टी साहब? बहुत सारे लोग जो फैंस भी ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो लगता है कि आज ही रैप अप हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता वन वे आर द अदर। मगर भट्टी साहब, हम बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं बांग्लादेश को, मोस्टली वो लोग भी ड्राइवर सीट पे रहे हैं एंड दे डिड वेल। देखिए फातिमा, दोनों टीमों का अगर आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने ना गेंद को ज़्यादा स्पिन करवाया है, और अगर उनकी जब गेंद ब्रेक भी हुई है तो लाइन और लेंथ जो थी वो ऐसी नहीं थी कि बैट्समैनों को ट्रबल करें। लेकिन उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं तैजुल इस्लाम, अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, उन्होंने पहली इनिंग्स में 7 विकेटें भी ली और काफ़ी पाकिस्तान को अंडर प्रेशर था। देखिए में किसी भी विकेट पर, किसी भी ग्राउंड पर चौथी इनिंग्स आसान नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान की टीम में सलाहियत है कि ये 202 रन का टारगेट चेस कर ले, लेकिन उसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा ये है कि क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने से गुरेज करना होगा, गेंद से गैर जरूरी छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। बिल्कुल सही फरमान या कि हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं कि 202 चेज होने चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान में स्पिन की जो लेगेसी थी अब वो खत्म हो गई है? हमारे पास अगर आप पास्ट में देखें, इकबाल कासिम थे, अब्दुल कादिर थे, तौसीफ अहमद थे और बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में स्पिन बॉलिंग में रहे हैं, लेकिन आज आप हम देखें कि हमारे पास रिस्ट स्पिनर अगर हम ट्रेवल भी करवा रहे हैं तो उसको पता नहीं क्यों खिला नहीं रहे, हम गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे स्पिनर्स को मौका दे रहे हैं। उनसे बेहतर स्पिनर्स मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सर्किट में मौजूद हैं। अगर आप इसी कायद आज़म ट्रॉफी का इस वक्त जो सीज़न चल रहा है, अभी पिछले मैच में जो 3 दिन पहले ख़त्म हुआ, सिंध के एक स्पिनर हैं अबरार, उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच में 10 आउट किए। तो मेरे ख्याल में वो जो आँख है ना टैलेंट को परखने वाली, टैलेंट है हमारे पास लेकिन शायद इतनी अच्छी आँख नहीं है जो टैलेंट को तलाश करे। मेरे ख्याल में जाहिद महमूद को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, वो डिजर्विंग प्लेयर है। ठीक है, लेट्स सी। कल भी कह रहे थे कि मौका दिया हमने, T20 में 3 आउट किए, उसके बाद टेस्ट में लेकर आए लेकिन बाहर बिठा के हम उनको ट्रेवल करवा। ठीक है, भट्टी साहब ने जो सब बात की है सिक्को ना, रियली वांट टू आस्क दिस, मतलब एक अलार्मिंग बात है कि वो कहना क्या क्या हमारी स्पिन की लेगेसी जो हम इतने अच्छे ज़बरदस्त स्पिनर्स प्रोड्यूस करते थे, वेयर आर दे? या वो हैं मगर क्या आगे सेलेक्टर्स के सन ग्लासेस पहनी हुई है बिकॉज ऑफ द सन, दे कांट सी देम, व्हाट्स गोइंग ऑन, यू टेल मी द ग्राउंड रियलिटी। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम बिलाल आसिफ को जो कि 36 साल के और 37 साल की उम्र की तरफ जा रहे हैं, उनको वापस लेकर आएँ। और मतलब ये है कि जब आप एक 37 साल के स्पिनर को लेकर आए वापस टीम में और उसको खिलाया भी नहीं, बाहर बिठाया हुआ है कि उन्होंने शायद बांग्लादेश से कुछ ख़रीदारी करनी है, तो मुझे तो जो भट्टी साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास टैलेंट रहा नहीं। उसकी दूसरी वजह भी एक है, दूसरी वजह यह है कि जो वनडे क्रिकेट है, अब वनडे क्रिकेट इतनी पॉपुलर हो गई है कि जो स्पिनर्स हैं वो फ्लैट हो गए हैं। स्पिनर का जो स्पिन होता है वो फ्लाइट के साथ होता है। हमारे दौर में तो यही था कि वो बंदा फ्लाइट करता था और फिर अब T20 और ये जो वाइट बॉल की क्रिकेट की वजह से वो थोड़ा सा फ्लाइट से डरते हैं और नीचे कराते हैं। हालांकि नुमान ने बुरी गेंदें नहीं की हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग की हैं। अगर वो स्टंप हो जाता तो हो सकता है ये जो 3 आउट साजिद ने किए 3 उसके खाते में आ जाते। वो इतना बड़ा स्टंप था, मैं सरप्राइज़ हूँ कि रिजवान बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, बहुत बड़े विकेट कीपर हैं, उनसे कैसे मिस हो गया। खैर मिस हो जाता है, तो वो एक बैड लक नुमान के साथ हो गई कि वो वहाँ पर उसको विकेट नहीं मिली और वो बेचारा विकेटलेस हो गया और साजिद को 3 विकेटें मिल गई। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। मगर हमें सीरियसली आपके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें मुश्ताक अहमद हैं, मैंने उनसे पूछा था भाई स्पिनर्स किधर हैं, जब हमारे पास मौजूद थे उन्होंने कहा यार वहाँ ही नहीं। उनके बाद जो है वहाँ पे सकलैन मुश्ताक हैं, मैंने उनसे पूछा था स्पिनर कहाँ थे, उन्होंने कहा भाई उनको भी नहीं पता किधर हैं। तौसीफ अहमद जब सेलेक्टर थे मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई एक स्पिनर का नाम लो, तो जब वो सेलेक्टर थे तो किसी का नाम ही नहीं लेते थे वो, कि है ही नहीं। तो अब ये 3 बड़े स्पिनर इतने बड़ी पोस्ट पे रहे और किसी स्पिनर को नहीं बना सके, ना उन्होंने कोई टारगेट किया। तो अब उसका इलाज हमें ही जाना पड़ेगा जियो की टीम को जाके स्पिनर ढूंढने के लिए। चले ये भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एंड इज कमिंग बैक टू द मैच, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली अपने अब मैच इस वक्त चल भी रहा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान को अब जीतने के लिए 185 रन चाहिए। एंड आलिया, आई थिंक दैट नाउ पाकिस्तान शुड प्रूव एंड ओपनर्स शुड प्रूव कि वो लोग आपका काम कर सकते हैं। यू नो, ऑल आइज ऑन आबिद अली एंड अब्दुल्ला शफीक टू डू दिस टास्क फॉर यू। बिल्कुल, और आबिद अली ने खुसूसन जिस तरह से पहली इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की, 133 स्कोर किए और बड़े यू नो सेल्फ बिलीव के साथ, बड़ी इंटेंट के साथ उन्होंने उनकी एप्लीकेशन नजर आई। और मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला शफीक को तो हमें मार्जिन ज़ाहिर है ये देना है कि वो पहला टेस्ट खेल रहे हैं, मगर वो भी बड़े सॉलिड नज़र आते हैं, डिफेंस उनका बहुत अच्छा नज़र आता है, शॉट सिलेक्शन इम्प्रूव नज़र आती है। मगर जिस तरह हमारा मिडिल ऑर्डर क्रम्बल किया था वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद सिचुएशन क्या होती है, 1 डेढ़ घंटे के बाद वो हम कुछ कह नहीं सकते, तो इसी वहाँ पे हमें थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। वहाँ हमें देखना होगा कि जी स्पिनर को कैसे खेलना है। स्वीप की बात हो रही थी, बिल्कुल सही है कि स्वीप जो है वो रिजवान कभी कभी मारते नजर आते हैं, वरना जनरली हमारे जो कि एक मेन हथियार होता है आप स्पिनर्स के अगेंस्ट। और फिर हर शॉट पे पोजिशनिंग कैसे करनी है, गेम पे कितना कंट्रोल रखना है, टाइमिंग, हर चीज़, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका टारगेट आपके जहन में है कि 202 ये करने, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आज ही आप मारामारी करें और मारधाड़ करके चाहें कि 202 जो है वो कवर कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट मैच लूज ना करें, आप पेशेंस दिखाएं, ये पेशेंस का गेम है। और बहुत खूबसूरत शॉट खेला है इस वक्त आबिद अली ने, तो पाकिस्तान को इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और वही वाली बात कि जो क्लास है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान टीम जितने अच्छे तरीके से इस वक्त जा रही है और जो उनका एक स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं वो, उनके अंदर क्वालिटी भी है। सिर्फ जहाँ पे हम दूसरा आदमी आपके सामने, दूसरी टीम जब अपनी क्वालिटी से हावी हो जाती है तो वहाँ हम मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे तो आप ये टेस्ट भी इंशाल्लाह आराम से जीत जाएंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान डज नीड 185 रन टू विन दिस टेस्ट। आज का दिन है, फिर कल का पूरा दिन है। आर वी गोइंग टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ और वी कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन। स्पोर्ट्स फ्लोर में आज डिस्कस करें पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान फर्स्ट टेस्ट का आज डे 4 है। यू नो, तो आप लोग अभी यही बात कर रहे थे सिकंदर बिफोर गोइंग ऑन अ ब्रेक अबाउट स्पिनर्स, इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बात करें स्पिनर्स की, मगर उससे पहले पिच की भी बात करते हैं। बड़ी डिफरेंट बिहेव की है ये पिच। हाउ डिड यू, आप इसको किस तरह एनालाइज करेंगे? आई मीन, मैं एक टाइम पे देख रही थी विकेट्स वुड जस्ट कीप ऑन कमिंग, देन देयर वाज स्टेबिलिटी, मगर अब डे 4 है। हाउ डू यू सी इट, आपको लग रहा है स्पिनर्स को थोड़ा टर्न मिल रहा है? You see anything going on? मुझसे पूछा जी आप? मैं खुद हैरान हूँ कि इस पिच के पर या तो अचानक ही कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं या फिर पार्टनरशिप लगती है। तो एक 200 रन की लगी, उससे पहले 4 आउट हुए थे, 200 रन की पार्टनरशिप लगी, उसके बाद एकदम से इस पिच के स्टेबिलिटी आ जाती है जी। बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, फिर एकदम से धड़ाधड़ आउट हुए, फिर पाकिस्तान ने लगा दी 146 की पार्टनरशिप। और फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ताजुल हसन नाम है ना बच्चे का, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, कि वो खेल ही नहीं सकते उसको। और हालांकि उसने कोई आउटस्टैंडिंग ये नहीं कि बड़े बड़े ब्रेक कर रहा हो, ऐसी कोई बॉल नहीं कि हमने बड़े लूज शॉट्स खेले। और फवाद आलम को बड़ा अच्छा स्पिन हुआ, और तो ऐसा लग रहा था कि इस पिच के पर आप खेल ही नहीं सकते। फिर उनकी बारी आई, हमारे फास्ट बॉलर ने इतनी अच्छी गेंदें कर दी कि उनके लग रहा था कि जी हमारे पास स्पिनर हमारे बिल्कुल फजूल। तो बड़ा डिफरेंट टाइप से ये पिच खेली है और बड़ी, मतलब मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक ट्रेंड पे नहीं चली है कि या सीमर्स को हेल्प कर रही हो या स्पिनर्स की पिच हो या बैटिंग की हो, हर चीज़ इसमें हुई है। बैटिंग भी हुई है, स्पिनर्स ने उनके आउट कर दिए, हमारे फास्ट बॉलर्स ने आउट कर दिए। तो अब पता नहीं चल रहा कि ये जाकर कहाँ सेटल होगी। ठीक है, तो पाकिस्तान को अभी जीतने के लिए 169 रन चाहिए। आई मीन या अभी फ़िलहाल पाकिस्तान इज़ डूइंग वेल, दे आर डूइंग गुड स्टफ। डू यू थिंक ये लोग कोशिश करेंगे आज ही रैप अप कर ले, बिकॉज कल तक लेके जाने में माइट जस्ट गेट वेरी डिफिकल्ट, बारिश हो जाए You never know. फातिमा इतना लंबा सोचना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं सोचे। इंटेंट के साथ आबिद खेल रहे हैं या अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं, अपना जॉब डन कर रहे हैं, और एज कम्पेयर फर्स्ट इनिंग उनकी कोशिश है कि स्कोर बोर्ड को रोटेट किया जाए। बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है क्योंकि आप चौथी इनिंग खेल रहे हैं, 202 रन के हदफ का ताकुब कर रहे हैं, तो इस पिच के ऊपर ठीक है कि आप रुके, लेकिन साथ साथ आपको स्कोर बोर्ड को जो है वो रोटेट करना पड़ेगा, उस पर नंबर तब्दील करने पड़ेंगे। और यही अगर आपकी आगे जाकर खुदा न खास्ता 2-3 विकटें ऊपर तले गिरती हैं तो दबाव नहीं रहेगा आपके ऊपर। लेकिन जो पिच के हवाले से थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी, शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी लीथल बॉलिंग की, 5 विकेट की उन्होंने परफॉर्मेंस पेश की सेकेंड इनिंग में, बट अगर आप देखें तो 2-3 ऐसी गेंदें थी जो उनकी नीचे रही। उसके साथ इस पिच के ऊपर मुझे लगता है कि अभी ठीक है शुरुआत है, लेकिन इस पिच के ऊपर पिछले कदम पर खेलना इतना आसान है नहीं, क्योंकि अचानक बॉल ब्रेक होता है। और तैजुल इस्लाम ने फर्स्ट इनिंग में जो है वो 7 विकेट की परफॉर्मेंस दी थी, उनको आपको बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए, तो आपको बड़े एतबार के साथ अपने आप को अप्लाई करना चाहिए। इस पिच के ऊपर कंप्लेसेंट बिल्कुल आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो सेशन बाय सेशन का खेल होता है। इस सेशन में अब तक हमने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है और बांग्लादेश को लग रहा था कि 250 से ज्यादा का हमको हदफ देगा, वो नहीं दिया, तो कंट्रोल में है सिचुएशन। लेकिन क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं कि दिस इज टाइम का आप बिल्ड करें ये पूरी पार्टनरशिप आलिया, और आपको ये भी कोशिश करनी है कि आप ये बांग्लादेशी स्पिनर सेटल ना हो पाए इस पिच में, दैट्स व्हेन ट्रबल विल कम इन। बिल्कुल फातिमा, एक्चुअली वो जब आपने पहली इनिंग्स में खेला ताजुल इस्लाम को, तो आपको पता नहीं था कि वो किस तरह की बॉल करते हैं, कैसे खेलते हैं, और वो उस चीज़ का एडवांटेज जो है, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी आप देखें उनकी जो लेंथ की जजमेंट है, फ्रंट फुट पर खेलने वालों को वो बैक फुट पर खेल गए हैं, जिस तरह आउट हुए हैं पिछली इनिंग्स में। अब चूंकि आपने देख भी लिया है, आपने अपने एनालिस्ट के साथ बैठ के रात को काम भी किया होगा, देखा होगा अपनी गलतियों को, और उनको अंडरस्टैंड किया होगा किन एरियाज में वो बॉल डाल रहे हैं। तो अब आप देखें कि हमारे जो दोनों बैट्समैन हैं वो बड़े मेंटली तौर पे भी वो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं। तो उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बेशक शाहीन ने बहुत अच्छी बॉल करवाई, लेकिन जो पहला सेशन था फातिमा आज का, तो बावजूद इसके कि मुशफिक रहीम को हमने आउट कर लिया था, उसके बावजूद हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी लेंथ इतनी अच्छी दिखाई नहीं दी थी, मगर उसके बाद ग्रेजुअली उन्होंने रिकवर किया, तो इसीलिए बीच में वो पार्टनरशिप भी लगी। लिटन की भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी कि अपनी टीम के लिए जी बिल्कुल ही हैज। आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट बिकॉज हमारे पास कम टाइम है। भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है, कंफर्टेबल चेज या थोड़ा सा प्रेशर आएगा बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि अभी फिलहाल सिचुएशन विन विन है? देखिए फातिमा, लग नहीं रहा कि अगर पाकिस्तान के बैट्समैनों ने पैनिक क्रिएट नहीं किया। आज देखें, आज अभी 40 ओवर का खेल बाकी है, रोजाना 7-8 ओवर जो है वो बैड लाइट से मुतासर होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि कल लंच तक पाकिस्तान को इजीली 6-7 विकेटों से ये मैच जीत जाना चाहिए। लेकिन क्रिकेट है, अगर पाकिस्तान ने अननेसेसरी गलत शॉट्स ना खेले, गैर जरूरी गलतियां नहीं की, तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान को जीतने में कोई मुश्किल होगी। ठीक है, आई थिंक सिक्को 2-3 क्विक विकेट्स अगर हो जाए ना, तो दैट्स व्हेन द पैनिक बटन वहाँ फिर होता है थोड़ा सा। बिल्कुल, हाँ। 100 रन तक भी अगर कोई विकेट गिरी और फिर धड़ाधड़ 2-4 गिर गए तो फिर थोड़ा पैनिक बटन। मगर पाकिस्तान को, मैंने जैसे कहा कि जो नाम है पाकिस्तान का, जो स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का, वो हमें आराम से जीतने। ठीक है सिक्को, यू स्टे विद अस। आलिया आपका बहुत शुक्रिया, सैयद यासैनी आपका, और भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया विद योर एक्सपर्ट ओपिनियन। असम बांग्लादेश के दरमियान फर्स्ट टेस्ट का डे 4, और अभी हम सिचुएशन भी साथ देख रहे हैं। सो पाकिस्तान डूइंग गुड, उनको 164 रन चाहिए जीतने के लिए। सो अभी फिलहाल सिकंदर हम देख रहे हैं पाकिस्तान डूइंग वेल, आई मीन उन लोगों ने अभी जो परफेक्ट सेशन हुआ है पाकिस्तान का इस वक्त, सो दे लुक वेरी स्टेबल। बट ये तो सब हमारी बैटिंग में बात करें, अभी तक कोई इमरजेंसी या पैनिक बटन नहीं है, तो अभी थिंग्स डूइंग वेल। बट यू नो, मैं जो हम जा रहे थे सिकंदर, हमारे फर्स्ट टेस्ट में स्पिनर्स डोमिनेट करें, बट इन कॉन्ट्रास्ट हमारे पेसर्स ने डोमिनेट किया। हाउ कैन वी चेंज दैट इन द सेकेंड टेस्ट? मतलब हमारे स्पिनर्स शुड कम इनटू प्ले। देखें, अभी मैं वही कैलकुलेट कर रहा था, अभी 30 विकेटें गिरी हैं अब तक, 3 इनिंग्स हुई ना, 30 विकेट्स, उसमें से 18 पेसर्स ने लिए और 12 स्पिनर्स ने लिए, तो उसका मतलब जो पेसर्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट। अब मैं तो बहुत ही हैरान था कि आज जिस तरह के बांग्लादेश के बैट्समैन खेल रहे थे, हमने अपनी सारी ज़िंदगी जिन बड़े खिलाड़ियों के दरमियान मैं खेला हूँ, वो ये कहते हैं कि गेंद पे नज़र होनी चाहिए। एक साहब के सर पे गेंद लगी कंकशन रूल के वजह से, उसका नाम शायद यासिर था बांग्लादेश के, और उसकी जगह दूसरा लड़का उन्होंने इंडक्ट किया, तो वो क्या कर रहा था, उसको बाउंसर भी आंखें बंद करके ऐसे, जब वो ऐसे आप बैठ जाते हैं, मतलब कहते हैं ना कि कबूतर मतलब बिल्ली को देख के आँख बंद कर देता है, तो अगर आप इस तरह क्रिकेट खेलेंगे कि आपको बाउंसर वहाँ आंखें बंद करके आपने यूँ सर झुका लिया तो सर पे लगनी है। तो उनको जो है यही चीज़ जो है बांग्लादेश की जो एक ओपनर था वो दोनों दफ़ा बाउंसर पे ऐसे किया वो आउट हो गया। तो हमारे बॉलर्स ने एक तो तिक्खी गेंदें की और उनके बैट्समैन की टेक्निक अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स बहुत ख़राब थी और उनका स्पिनर एक वैसे वो आउट कर गया। और कल शायद आलिया ने कहा था कि जी हम तो स्पिनर्स पे अच्छा नहीं खेलते, तो मैं हंस रहा था कि हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो फास्ट बॉलर पे अच्छा नहीं खेलते, जब न्यूजीलैंड जाते हैं तो कहते हैं यार सीमर्स पे अच्छा नहीं खेलते, और अब वो स्पिनर्स पे भी अच्छा नहीं खेले। तो हमारे बॉलर्स ने एक्चुअली बॉलिंग फास्ट बॉलर्स ने अच्छी कर दी और इसके वजह से वो बाउंसर्स वगैरह को बहुत अजीब व गरीब तरीके से खेल रहे थे। तो अब है अगले मैच की अगर मैं बात करूँ, अगर इजाज़त हो तो आप कर ले मतलब वो कहते हैं ना सिर्फ इसी मैच पे बात करो तो इस पर सारी बातें हो गई हैं। तो अब यही कि अगला मैच जो होगा उसमें मेरे ख्याल से ना जाहिद महमूद को अब उसको चांस देना पड़ेगा। इट्स अ बैड लक कि वो नुमान आउट नहीं कर सका, तो मेरे हिसाब से उनको चांस मिलना चाहिए। अरे इट्स नॉट अबाउट ड्रॉपिंग एनीबॉडी और एनीथिंग लाइक दैट कि ड्रॉप कर दिया आप एक्सपेरिमेंट विद द चेंजेस। हमारे पास दूसरी टीमें भी तो आने वाली है ना, वेस्ट इंडीज़ वगैरह, उनको भी तो हमने आजमाना है। तो अभी अच्छा है कि उस बच्चों को भी आजमा के देख लें। हाँ ये अलग बात है कि नहीं आप नहीं चाहते कि कोई मुकाबले में खड़ा हो जाए यासिर के, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, अच्छा तो अभी फ़िलहाल सिचुएशन सिक्को अच्छी लग रही है बिफोर द फाइनल सेशन। अभी 164 रन चाहिए तो इंशाल्लाह आई थिंक कंफर्टेबली पाकिस्तान शुड विन। अभी फाइनल सेशन में कुछ ना हो जाए तो आई थिंक यू नो यू हैव द डे टुमारो, हम लोग जीत जाएंगे इंशाल्लाह। आई लाइक योर आंसर, शॉर्ट एंड स्वीट, जीत जाएंगे। ठीक है, अच्छा जाहिद महमूद के अलावा डू यू फील लाइक एनी अदर चेंजेस दैट यू वांट टू सी? जैसे हम लोग बहुत सारे प्लेयर्स के लास्ट टाइम नाम ले रहे थे कि उनको होना चाहिए। नहीं मेरे ख्याल से यही होना चाहिए और बाकी वसीम रह गया बाहर, बैटिंग के अंदर वही लड़के हैं और कोई चेंज नहीं हो सकती। वो आप फवाद आलम को चेंज नहीं कर सकते, अजहर अली को अगर आप चाहें वो इन एंड आउट रहते हैं, अगर वो आप समझते हैं तो वो उनको तब्दीली हो सकती है। बाकी तो सब ने रन्स किए हुए हैं और रिजवान और बाबर को आप नहीं ड्रॉप कर सकते और ना फवाद आलम को आप ड्रॉप कर सकते हैं। फ़हीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बीच में आके बॉलिंग करा लेता है, तो इज़ अ यूज़फुल ऑलराउंडर फॉर द टेस्ट क्रिकेट के जो रन्स आके करता है फंस के करता है, विच इज़ अ गुड साइन। वो अच्छी चीज़ है, हमेशा लाए। अब स्पिनर की एक स्लॉट है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अगर किसी फास्ट बॉलर को रेस्ट देना चाहते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है, तो उसकी जगह कोई एक फास्ट बॉलर जिनके पास हम नाम नहीं लेंगे नाम नहीं लेते, वसीम को खिलाना चाहें खिला दें, तो उनकी मर्ज़ी है। मगर देखें ये हमारे एक बहुत ही एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग है, आखिरी में मैं कहता जा रहा हूँ कि लोग रेड बॉल की क्रिकेट को छोड़ रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं तो जस्ट टू प्ले वाइट बॉल क्रिकेट। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और इससे जो है ना हमें लड़कों के मेंटल उसका इशू पता चल रहा है कि वो नोबडी वांट्स टू वर्क हार्ड, कि वो लंबी लंबी क्रिकेट खेले, 20 ओवर दिन के कराए, 4 ओवर कराएं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा कमाई उसी में होती है, तो वो उसमें उसकी तरफ लग गए। तो दैट इज़ नॉट राउंड। देखें ना उस्मान शिनवारी ने भी छोड़ दी, अनवर अली ने कह दिया कि मैं रेड बॉल नहीं खेलना चाहता, शोएब मलिक ने छोड़ दी, हफीज़ ने छोड़ दी, और अभी और लाइन लगेगी। जो जिन के लीग्स खेल रहे हैं वो सब रेड बॉल छोड़ के वाइट बॉल की तरफ जा रहे हैं और वो पाकिस्तान से रिटायरमेंट नहीं ले रहे। मैं वो भी बता दूं क्यों, ये लड़के पाकिस्तान से इसलिए रिटायरमेंट नहीं लेते, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, अगर इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान आप रिटायर हो गए तो आपको हो सकता है कि वो 60 मिले, 40 मिले, 50 मिले। तो इसमें करंट प्लेयर की अपनी वैल्यू होती है, तो वो रखने के लिए वो रिटायर नहीं हो रहे। एंड कमिंग टू यू, अगर आई थिंक जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी आर्टिकल रीड करना चाहिए। लिटन दास का जो एक न्यू मेक ओवर हुआ है इज़ बीन गुड। उन्होंने बोला कि मैंने T20 क्रिकेट से ब्रेक ली एंड आई वर्कड ऑन माई सेल्फ सो आई कैन बी गुड एज अ टेस्ट प्लेयर, एंड दैट्स अमेजिंग ना कि आपको अपने ऊपर वर्क करने के लिए लॉन्गर फॉर्मेट खेला पड़ता है। हमारा ये एक मिजाज है कि हम रेस्ट नहीं लेते, मगर पूरी दुनिया के प्लेयर जो है ना एक बॉडी है। ठीक है ठीक है, चलो सो सॉरी रनिंग आउट ऑफ टाइम, हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, हाउ अबाउट दैट, वी डिजर्व अ ब्रेक। वेल थैंक यू सो मच सिकंदर, आपने हमें ज्वाइन किया। सो DFO का भी लास्ट सेशन तो थोड़ी देर में शुरू होने वाला, सो लेट्स सी हाउ पाकिस्तान गोज। कल एक और दिन होगा, आई विल मीट यू टुमारो एट द स्पोर्ट्स फ्लोर। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफिज़।